नमस्ते रुचिरा में आपका स्वागत है। दिवाली स्पेशल स्वीट्स में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दो तरह के लड्डू रेसिपी। पहला है बेसन का लड्डू, बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनता है। इसको दानेदार कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरा है नारियल के लड्डू, दो तरह के नारियल के लड्डू मैं बना रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन जाता है। आज के लड्डू बनाने के लिए हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। इसके लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप देसी घी लिया है। घी को हमें पिघलाना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो हम भजिया के लिए यूज करते हैं। अब हमें लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम या हाई पे नहीं रखना है, इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो बेसन नीचे लग जाता है। बीच में लम्स आए तो उसको हमें इस तरह से तोड़ना है। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब 1 बड़ा चम्मच घी और मिलाते हैं। घी को एक ही साथ में नहीं मिलाना है। अब मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप बारीक सूजी। इससे हमारे लड्डू बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। तो 2 बड़े चम्मच घी इसमें और मिलाते हैं। इसको हमें 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहना है। 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बेसन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब पूरे 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। बेसन ने घी अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स बादाम और पिस्ता ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम को बंद करके इसको पूरा ठंडा होने के रख देते हैं। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। आधा कप पिसी हुई चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 कप बेसन के लिए ये आधा कप शक्कर काफी होता है। अब इन दोनों को अच्छे से मिलाते हैं। अब इसका लड्डू बनाएंगे। आपको जो साइज में चाहिए उस साइज का लड्डू आप बना सकते हैं। लड्डू बनकर तैयार है। इसको मैं पिस्ता से इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। जो मिश्रण हमने बनाया था उससे 10 या 12 बड़े साइज के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। बेसन के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ याद रखना है इसको लो फ्लेम पे ही भूनना है 20 से 25 मिनट तक। बहुत ही दानेदार और टेस्टी बन गए हैं। अब हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े कप नारियल। ये फ्रेश नारियल है, इसको मैंने ग्रेट किया है और मिक्सर में इसको चला के बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप चाहिए तो डेसिकेटेड कोकोनट, जो जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा कप दूध। हमें सारे मेजरमेंट्स के लिए एक ही कप यूज करना है। अब कोकोनट को दूध में अच्छे से पकाते हैं। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है। अब देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और आधा कप पिसी हुई चीनी मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा चीनी और आप इसमें डाल सकते हैं।
अब इन सबको अच्छे से पकाना है। पर ध्यान रखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसको लो फ्लेम में ही पकाना है। आप देख सकते हैं मिश्रण काफी सूख गया है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हमने प्लेट में निकाल दिया। अब हम रोज फ्लेवर का लड्डू बना रहे तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच रोज इमल्शन। आप अपने पसंद का फ्लेवर इसमें ऐड करके लड्डू बना सकते हैं। रोज फ्लेवर के लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाते हैं। इसको 2 मिनट तक चलाएंगे लो फ्लेम पर और गैस को बंद कर देते हैं। हमारे दोनों मिश्रण ठंडा हो गए हैं। अब इससे हम लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम ये रोज फ्लेवर के लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो गए। इसको बनाने में 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम यूज़ किए हैं। बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी इस दिवाली में दोनों लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।